तो दोस्तों वीकेंड है, मूवी देखना चाहते हो पर कौन सी मूवी देखूं वही समझ नहीं आ रहा है। इतनी ढेर सारी मूवीज है लेकिन उसमें से कौन सी ऐसी मूवी जो मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेज रखे। अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आपके भी मन में आ रहा है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स की 5 ऐसी सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री मूवीज जो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना और देखने के बाद आपके बॉडी पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो आपको स्टार से लेकर एंड तक फिल्म के साथ बांधे रखेगी। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी पहले भी देखी होगी, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक ऐसी मूवीज नहीं देखी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाए और आपको एक बेहतरीन मूवी देखने मिले। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 5 सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री मूवीज। तो हमारे टॉप 5 पे आती है कहानी। नहीं नहीं, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ बल्कि फिल्म का नाम है कहानी। एक ऐसी कहानी जिसपे आपको यकीन रखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी की कहानी ऐसी है। इसके स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे विद्या बालन, परमबता चट्टोपाध्याय, सारे बंगाली एक्टर्स है तो इनके नाम जो है वो मुझे ठीक से लेने भी नहीं आए। तो बस आप इतना समझ लो कि ये एक बॉलीवुड फिल्म है जिसकी स्टारकास्ट में आपको विद्या बालन नजर आएगी। दोस्तों कहानी की कहानी ऐसी है कि आपको स्टार्टिंग से दिखाती कुछ है लेकिन एंड में आपको सरप्राइज कुछ अलग ही तरीके से करती है। जब आप फिल्म का एंड देखोगे ना, तब आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली फिल्म की कहानी स्टार्ट से शुरू हो जाती है, क्योंकि तब आप रिकवर करने लगते हो कि अच्छा यहाँ से सीन, अच्छा ये वाला सीन, अच्छा ये वाला सीन। इस तरीके से इस कहानी की कहानी है। मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट में बताऊंगा कि इसमें विद्या बालन एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले कर रही है जो कोलकाता आती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, जिसका हस्बैंड कोलकाता में आने के बाद यहाँ पे मिसिंग हुआ होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसके हस्बैंड को किसी ने भी नहीं देखा होता। उसका ऐसा कहना है कि मेरा हस्बैंड कोलकाता में था और इसी होटल में ही था। ये सब लोग झूठ क्यों बोल रहे, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या सस्पेंस है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जो कि आउटस्टैंडिंग कहानी के साथ ये फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो बहुत साल पहले देखी होगी क्योंकि ये फिल्म जो है वो 2012 में आई थी। कहानी फिल्म को IMDb की ओर से 8.1 का रेटिंग मिला है, तो मतलब सोच सकते हो कि फिल्म की कहानी जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो अब टॉप 4 पे आती है बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जो हमेशा कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं, जिनके फिल्म का सिलेक्शन वो बहुत ही अलग होता है, जहाँ पे ऑडियंस उनकी फिल्म देखते वक्त स्टार्ट से लेकर एंड तक फिल्म के साथ जुड़ जाती है। या दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना की अंधाधुन मूवी के बारे में। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये फिल्म जो है वो बहुत से लोगों की फेवरेट फिल्म होगी क्योंकि इसकी कहानी में भी दम है। जैसी आपको चाहिए वैसी कहानी है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चुटकुले मिलेंगे, जहाँ पे कॉमेडी होगी और क्राइम होगा और सस्पेंस होगा और एक मर्डर मिस्ट्री होगी। इसकी स्टारकास्ट में हमें आयुष्मान खुराना के अलावा तब्बू और राधिका आप्टे भी नजर आएगी, यहाँ पे इनका रोल भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अंधाधुन मूवी जो है वो ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने तो देखी होगी क्योंकि बहुत ही पॉपुलर मूवी है ये, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है एक बार जाकर इस मूवी को जरूर देखना। आयुष्मान खुराना जो कि अंधा नहीं होता लेकिन अंधे की एक्टिंग करता रहता है ताकि लोगों से सिंपैथी मिले और लोगों से पैसा भी लिया जाए ताकि वो फॉरेन कंट्री में जा सके। तो अब इसी सिचुएशन में उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। आई मीन टू से कि वो तो अंधे की एक्टिंग कर रहा है पर उसके आंखों के सामने कुछ बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। तो बस यहाँ से उसकी जिंदगी बदल जाती है और फिल्म की कहानी भी बदल जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म को भी IMDb की ओर से 8.2 की रेटिंग मिली है। अब टॉप 3 पे दोस्तों अगेन आयुष्मान खुराना की एक ऐसी मूवी आती है जहाँ पे कॉमेडी नहीं है लेकिन क्राइम, ड्रामा और मिस्ट्री बहुत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Article 15 की, जो कि एक रूरल एरिया से ली गई कहानी है जहाँ पे कास्ट बेस पे क्राइम होते हैं। इसी बीच एक ऐसी दो बहनों का कत्ल हो जाता है जो कि एक लो कास्ट की होती है और उस कत्ल के पीछे बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। तो वैसे में आयुष्मान खुराना जो कि उस एरिया के IPS अधिकारी होते हैं, तो वो किस तरीके से उन बच्चियों को न्याय दिलाते हैं, कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म काफी एंगेजिंग है, स्टार्ट से लेकर एंड तक ये फिल्म आपको कुर्सी से बांधे रखेगी। दोस्तों IMDb की ओर से इस फिल्म को 8.1 की रेटिंग मिली है। टॉप 2 में आती है दोस्तों बॉलीवुड के बिग बी की मूवी जिसका नाम है बदला, जिसके स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू और अमृता सिंह। दोस्तों इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए आपको फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी होगी। अगर आपने फिल्म का एक भी बीच का पार्ट मिस किया तो शायद आपको एंडिंग समझ में नहीं आएगी।
फिल्म में एक मर्डर होता हुआ दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में इस मर्डर का कातिल जो वो हमेशा बदलता रहता है। कभी एक लेडी होती है तो कभी उसका बॉयफ्रेंड होता है। एक माँ बाप के आंखों के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाता है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो माँ बाप अपने बच्चों को इंसाफ नहीं दिला पाते। तो वैसे में बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए वो खुद ही इस लड़ाई में कूद जाते हैं। और वो किस तरीके से सबूत को जुटाते, किस तरीके से असली कातिल तक पहुंचते, ये फिल्म की कहानी है। इसे IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अब टॉप 1 पे जो फिल्म है वो विद्या बालन की कहानी फिल्म की तरह ही सेम प्लॉट छोड़ती है। कहानी अलग है पर फिल्म की स्टोरी जो है वो हमें बार बार उलझा देती है। फिल्म की कहानी में एक मर्डर होता है और जो सस्पेक्ट होते हैं उनके हिसाब से मर्डर की कहानी कुछ और ही होती है। हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि मर्डर इसी ने किया है, मर्डर इसी ने किया है। हर कोई अलग कहानी बताता है कि किस तरीके से इसने मेरे आंखों के सामने इसे मारा। तो वैसे में पुलिस के सामने ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो वैसे में पुलिस जो वो असली कातिल तक कैसे पहुंचती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना। ये पूरी तरह से क्राइम और मिस्ट्री पे बनी फिल्म है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये फिल्म भी आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी होगी, तभी आपको ये फिल्म समझ में आएगी। तो ये थी दोस्तों टॉप 5 बॉलीवुड की सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री मूवीज जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जो कि आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा सक्सेस हुआ तो इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा, जहाँ पे मैं हॉलीवुड के सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री जो कि हिंदी में अवेलेबल रहने वाली सीरीज और मूवीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इन टॉप 5 मूवीज में से आपकी सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसमें से कौन सी मूवी आपने अभी तक नहीं देखी ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।